श्री अद्वैत गदाधर शिवाकार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। कविता का मैं देखा, अर्जुन भगवान कृष्ण से 60वें अध्याय में प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में। और फिर प्रयाण काल के समय कैसे व्यक्ति भगवान को याद कर सकता है, उसके विषय में बता पूछ रहे। तो भगवान उत्तर देते हैं इनका, और प्रयाण काल के विषय में वो विशेष रूप से बता रहे हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुक्त हो जाता है, मुझे प्राप्त करता है। और वो अर्जुन को 7वें श्लोक में बोलते हैं, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च, तुम मुझे स्मरण करो और युद्ध जैसे भी कार्य है उस वक्त भी तुम मेरा स्मरण करो। तो अर्जुन जब ये सुनता है तो उसे बहुत थोड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे मैं युद्ध करते वक्त भगवान को स्मरण कर सकता हूँ। तो भगवान अंतर्यामी है, इसलिए भगवान जानते हैं उसके मन में क्या चल रहा है, तो वह स्वयं बताते हैं इसका उत्तर। तो 8वें श्लोक में बोल रहे हैं, कल हमने थोड़ा इसका डिस्कशन किया, वो तो कंटिन्यू करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन्। तो भगवान बोल रहे हैं कि यह किस प्रकार संभव होगा अगर तुम अभ्यास करोगे। अभ्यास योगेन, अभ्यास करने से क्या होगा, आप अपने मन को भगवान के ऊपर लगा पाओगे, उनको स्मरण कर पाओगे। तो चित्त यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं, चित्त के विषय में बोल रहे हैं। चित्त क्या होता है? जो चित्त है ये चित्त आता है, हम लोग आत्मा किसकी बनी है? सच्चित और आनंद की। तो चित्त शक्ति जो है वहां से चेतना आ रही है। तो अभी जो चेतना है वह, यह चित्त क्या है, यह अशुद्ध चेतना है। तरह से श्रीमद् भागवतम में इसको कंटेम्प्लेटिव बोलते हैं। तो जो चेतना चित्त जब सच्चित आनंद की बात करते हैं वह शुद्ध चेतना है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करने की इच्छा ही होती है। लेकिन वही चेतना क्या है, इस भौतिक संसार में वो आने पर हो जाती है कि मैं कंट्रोलर और एंजॉयर। कल हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे थे, नियंत्रक, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम नियंत्रक बनना चाहते हैं और भोगी एंजॉयर बनना चाहते हैं। तो ये दो चीजें, यह दो जो है अहंकार, जो हमारी चेतना है अशुद्ध चेतना है, उसका मेन चीज है। हम चाह रहे हैं कि नियंत्रक बने और भोग करना चाहते हैं, इससे फिर बाकी सब कुछ मन बुद्धि इंद्रियां ये सब आती है। तीसरे स्कंध में कपिल देव बताते हैं सांख्य योग में कैसे यह पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। तो पहला चीज अशुद्धि आती है कि यह चेतना में कंट्रोलर और एंजॉय की भावना। अब बोले वह चित्त को क्या करो, चेतसा ना अन्य गामी, कहीं और न जाए, उसके लिए अभ्यास करो। तो अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमने कल चर्चा किया क्या है, तो उपाल जी बोलते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण के नामों का जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। उससे क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह अभ्यास करना, शुरुआत में जब हम करते हैं तो मन तो थोड़ा लगता है, लेकिन जब वहीं पे बार 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 सुनना होता है तो फिर मन क्या होता है, अरे छोड़, फिर वो कहीं और जाता है, पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण में लग जाता है। तो यही अभ्यास करना है, यतो निश्चित, जहां जहां मन भाग के जाए उसको पकड़ के ले आओ और वापस सुनने में लगाओ। और विचार आएंगे, उत्पन्न होंगे, अलग अलग रूप दिखाई देंगे, होगा अरे वो जो व्यक्ति है उसने कल मेरे को ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, मैं देख लूंगा उसको, ऐसे कैसे हो सकता है।
पहले हमने चर्चा की मन जो है, मन का कार्य क्या है, संकल्प और विकल्प। चीजों को एक्सेप्ट करना, मैं ये करूंगा, मैं जप करूंगा, मैं सेवा करूंगा, लेकिन फिर बाद में मन जो है, नहीं, वो नहीं करना, उसको रिजेक्ट करना, सेम चीज को। कई बार होता है हम लोग रसगुल्ला देखते हैं, कुछ ऐसा खास तो एकादशी है तो अच्छा खाना देखते हैं, हम खाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर उसके बाद मन उठ जाता है, क्या बोलता है, नहीं, वही चीज जो है उसको वो छोड़ देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो ये बार बार संकल्प विकल्प उसका चल रहा है, हर चीज को लेकर के। संबंध में भी चल रहा है, इस व्यक्ति के साथ प्रेम करना है, फिर उसके साथ ना पहले बोलते हैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, फिर एक कुछ सालों बाद ना साथ रहना क्या, देखना भी दूभर हो जाता है, ठीक है, तो संबंध विच्छेद हो जाता है, फिर दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसके साथ भी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मन का, मन नहीं साथ बैठ, तो मन को एकाग्र करना होगा, मन को स्थिर करना होगा। और सबसे आसान तरीका चेतन महाप्रभु ने दिया है कि आप उनके नामों का, भगवान कृष्ण के, श्रीमती राधा रानी के नामों को उच्चारण करें और सुनने का प्रयास करें। अब हमें ये कोशिश करना है कि वापस मन को लगाएं, ये सीखना होगा, हमारे साथ जो भक्त हैं उनसे, उनके संग में रह करके कैसे हम मन के ऊपर काबू करें और उसको सुनाएं। एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा कि मन को कैसे कंट्रोल करें जब करते हुए, तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा चीज बोलते हैं, कहते हैं कि मन का क्या करना है जब के वक्त करते वक्त, जीवा है, जीभ से बोलो और कान से सुनो, उसमें मन का प्रश्न ही नहीं उठता है, और जोर जोर बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा भाग रहा तो जोर से चलाओ, कभी कभी ना एक दो ऑल्टरनेट वर्ड्स जो होते हैं, जैसे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे टेक्निक्स लोग सिखाते हैं कि आप इस तरह से मन को वापस ला सकते हैं और उसके विषय में ज्ञान अर्जन करें कि ये हरिनाम है क्या, भगवान स्वयं, और भगवान हर क्षण बेहतर होते हैं, एक्सपेंड कर, तो ऐसा नहीं कि हम वही कृष्ण और बेहतर हो गए पिछली बार जब तब से जब करने, तो मन को जो अलग अलग रस चाहता है वो रस उसको हरिनाम में मिलेगा, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत है और यह हमें सीनियर डिवोटी से सीखना होगा, शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना होगा और कोशिश करनी होगी। हम अच्छे से सिखा सकते हैं कि कैसे खाना बनाना चाहिए, कैसे हम अलग अलग बना सकते हैं, व्यंजन बना सकते हैं, ये सब्जी, पनीर सब्जी, हलवा, लेकिन आपको क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा, तब आपका उसको भगवान को अर्पण करिए, फिर आस्वादन कर पाएंगे, बस जानना ही सब कुछ नहीं। तो मन को इस तरह से स्थिर करना होगा, मन जब ये जान जाएगा कि मृत्यु के बाद हमारा कोई भी, मृत्यु के वक्त हमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, कोई भी भौतिक चीज, भौतिक वस्तु नहीं मदद कर सकती, सिर्फ कृष्ण ही हमें मदद कर सकते हैं, और कृष्ण के अलावा और कोई हमारा नहीं, उनके कारण ही जीवन हमें मिला, उनके कारण ही सब कुछ हम कर पाए, तो कृष्ण के ऊपर हम फिर केंद्रित कर पाएंगे ध्यान, तो जरूरी है, वरना सोचता है कि हमको हमारा गवर्नमेंट बचाएगा, हमको कुछ और मदद करेगा, ये प्रॉपर्टी मदद करेगा, नहीं। बड़े बड़े लोग जो हैं, जैसे कुछ समय पहले भारत की प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर जी, तो बहुत उनका तबीयत खराब हो गया, तो बोलते हैं कि मेरे पास हजारों कपड़े हैं, हजारों चीजें हैं, बहुत पैसे हैं, फिर भी मुझे वो कोई मदद नहीं कर रहा, वो किसी काम का नहीं है। कुछ दिन पहले एक बड़े सहारा ग्रुप के जो चीफ थे, उनका देहांत हो गया, तो उनके बच्चे जो है उनके अंतिम गृह में भी नहीं आ पाए, तो हमें कोई मदद नहीं कर सकता है, हमें जब असल में जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ भगवान ही मदद कर सकते हैं। तो अब जब हमारा शरीर में ताकत है, जब हम पूरी तरह से होश आवास में, तब हमें पूरा मन लगा कर, ध्यान लगा के नाम जप के ऊपर
अभ्यास करने का। और जैसे जैसे हम उसमें एक्सपर्ट होंगे तो नाम प्रभु भगवान श्री हरिनाम स्वयं अपना रूप दिखाएंगे, नाम रूप गुण लीला वो सब आएगा। तो हमें अपने आचार्यों के जो देश है उसके पर विश्वास करना चाहिए। भजो भजो भाई चैतन्य नित्याय, सुदृढ़ विश्वास करें। कुछ दिनों में नित्यान प्रभु का आविर्भाव तिथि होगा, तो आप इस इनके चैतन्य महाप्रभु नित्यान प्रभु का जो यह प्रोसेस है, विधि जिन्होंने दिया है, उसके ऊपर आप विश्वास रखिए। विषय छाड़िए सिर से मानिए, विषयों को छोड़े, जो विश्व रूप है, विश्व और विषय, उसमें विषय ज्यादा खतरनाक है। विष पिएगा कोई तो एक ही शरीर जाएगा, लेकिन विषय जो विषयों में लग जाएगा तो अनेक शरीर लेने पड़ते हैं और कभी आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या हैं, आध्यात्मिक हैं, आत्मा हैं, और इस संसार के जो विषय हैं सब भौतिक हैं। भूमि अपोनल वायु पिछले चैप्टर में पढ़ा, ये सब मृत है, डेड मैटर। मन भी डेड मैटर, सूक्ष्म है लेकिन वो भी क्या है, जड़ है, मृत। वो हमको सुख नहीं दे सकता, पर हम देख सकते हैं हमने कितनी बार अपने मन को संतुष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अभी संतोष नहीं हुए। एक आचार्य बोलते हैं कि मैंने अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का सब कुछ किया है, लेकिन न करुणा, हमको कोई करुणा नहीं मेरे ऊपर, और तृप्त भी नहीं हुए। पर बोलते और दो और दो, तो कैसा है, अग्नि है, अग्नि में वह और भी घी डाल रहे हैं या पेट्रोल डाल रहे हैं, उससे और अग्नि प्रज्वलित होती है। तो उसे नियंत्रण में करना होगा और अभ्यास करना होगा। जब इस तरह से करेंगे, और इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए हमें कहा गया है कि उत्साह निश्चया धैर्यात, उत्साह रहो और धैर्य रखो और निश्चित निश्चय करो कि हाँ हम इस पथ पे चलेंगे। तो वही ये संकल्प करना है, संकल्प विकल्प करना ही है। तो संकल्प किसका करना है, अनुकूल्य से संकल्प, कि मैं ये हरिनाम सुनूंगा, ये संकल्प करिए और नाम जप करिए, और जप करते करते फिर मन भागता है तो फिर से संकल्प करिए, वापस अपने आप को उस संकल्प मिलाए कि नहीं मुझे हरि नाम करना। तो जो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर बस ध्यान दीजिए, पीछे वाले मंत्र के बारे में मत सोचिए, हम भूल गए या नहीं सुने, अरे चला गया, ठीक है, पर आगे आने वाले के बारे में मत सोचिए। जैसे 16 माला करना होता है, उस पूरा 16 माला का सोचेंगे तो पेट में गड़बड़ हो जाएगा। जो मंत्र अभी कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसके ऊपर फोकस करिए। जो आएगा तब उसको सुनना है, मन को बोलना है कि आपको ज्यादा नहीं, एक मंत्र, वन मंत्र एट ए टाइम, एक मंत्र लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आपका कंट्रोल है। मन जो है वो भूतकाल भविष्य काल में चला जाता है। भूत में क्या है, काश अगर मैंने ऐसा किया होता तो, काश मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होता तो, काश मैंने पढ़ाई कर लिया होता तो, ठीक है, तो इस तो का कोई उत्तर नहीं, मन वापस जाएगा भूत में और फिर भविष्य में चला जाएगा। अगर अगर मेरा एग्जाम में नहीं सिलेक्शन हुआ तो, नीट में नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ तो क्या, ठीक है। तो मन क्या है, ऐसे ही हमको उल्लू बना रहा है। हमारे हाथ में क्या है, अभी का समय, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट होता है, तो प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट ऑफ गॉड, भगवान का एक हमारे लिए उपहार है प्रेजेंट टाइम। उस अभी के समय में आप क्या करिए, भगवान के ऊपर फोकस करिए जब हरि नाम कर रहे हैं। तो इस तरह से अभ्यास करते हुए, और बाकी जो कर्तव्य भगवान बता रहे हैं, युद्ध जो यहाँ पे करने वाले आ रही, जब युद्ध में वो अपना मन लगा सकता है कृष्ण में, तो हम तो युद्ध की स्थिति तो भी नहीं। तो ये हमें अभ्यास करना है, बार बार प्रयास करना है, और इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आप सक्सेसफुल होंगे कभी अपन सक्सेसफुल, तो उससे डरना नहीं। तो इस तरह कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 8वां श्लोक चल रहा है। तो अंत में हमें यह समझ लेना है कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं, बाकी कोई हमारा अपना नहीं। जब तक हम कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ेंगे, हमारे अपने भी अपने, जब मृत्यु होती है कि उनकी हमारी, तो हम उनको छोड़ के चले जाते हैं, फिर अगले जन्म में चले, हमको याद ही नहीं पिछले जन्म में हमारे माता पिता कौन थे, सगे संबंधी कौन थे, तो इस बार वाले भी चले जाएंगे।
लेकिन अगर हम भगवान को फोकस रखेंगे, कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएंगे, तो हमारा जो संबंध है भक्तों के साथ जो संबंध है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो उनके साथ हमारा संबंध फिर सुदृढ़ है, वो असली संबंध है। तो कृष्ण केंद्र बिंदु। अब ऐसा होने पर क्या होगा, जब चित्त इस तरह से स्थिर हो जाएगा तो कहीं और नहीं जाएगा, जो यहां वहां जा रहा है बहुशाखा अनंतश, अलग अलग दिशा में भाग रहा है, वो स्थिर हो जाएगा किस पे, कृष्ण के ऊपर, कि कृष्ण के अलावा और कोई मेरा आश्रय ही नहीं। जानता है कि मृत्यु के पश्चात हमें जो अगला शरीर प्राप्त होगा वो भगवान ही देने वाले हैं, भगवान प्रसन्न है तो हमें धाम ले जाएंगे, नहीं तो ऐसा जन्म देंगे जहां हम आगे भक्ति कर सकें। तो सुख दुख में भी विचलित नहीं होना चाहिए, अत्यंत सुख आ गया हम भगवान को भूल जाते हैं, बहुत दुख आ गया तो याद करते कभी कभी, कृपा जी भागवत में कोट करते हैं तुलसीदास का जी, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, हाँ सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को होए। तो दुख में तो बहुत मतलब पीड़ा होती, तो लोग तब पूछते हैं, कल एक भक्त ने कॉल किया, प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ना, प्रॉब्लम सबके लाइफ में चल रहा है, और सोचते हैं हमारा जीवन ऐसा है कि बस इतना प्रॉब्लम किसी और के लाइफ में नहीं है, मगर वाले से पूछ के देखो, नहीं मेरा प्रॉब्लम उनसे ज्यादा है। लेकिन क्या है, हर व्यक्ति तस्त है दुनिया, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश सबको पड़ रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, नहीं सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान की तरफ वापस चलने लगे, भगवान कोशिश करिए कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको सही करें, और सब कुछ सही कर रहे हैं तब भी चलते रहे। पांडवों ने कुछ गलत किया था फिर भी कितना उनको कष्ट सहना पड़ा, उनको देख करके भीष्म पितामह रोने लगे, अहो कष्टम अहो अन्यायम यदि नंदन धर्म नंदना, तुम धर्म के साक्षात पुत्र फिर भी जीवितुम नातम क्लिष्टम, इतनी ऐसे ऐसे विपत्तियां तुम्हें सहनी पड़ी कि कोई जीवित न बचे, लेकिन फिर भी तुम बच गए, कैसे बच गए, धर्म अच्युत विप्राश्रय, क्या बोलते हैं वहां पे वो प्रथम स्कंध में, कि तुमने किसका आश्रय लिया, धर्म अच्युत और विप्रह, तो अपना तुमने धर्म किया, जो क्षत्रिय धर्म है वर्णाश्रम धर्म है भागवत धर्म है उसका तुमने पालन किया, और अच्युत भगवान कृष्ण उनका शरण लिया, भगवान कृष्ण से हमेशा मंत्रणा करते थे, उनसे पूछते थे, उनके बताए मार्ग पे चलते थे, और ब्राह्मण जो असल ब्राह्मण है, प्रामाणिक वैष्णव है, प्रामाणिक ब्राह्मण है, उनका अपने संग लिया, उनके बताए मार्ग पे चले। तो आप इन सबों को, इन सभी विपत्तियों से आप निकल पाए, तो यही हमें भी करना, हमको कृपा उनके जो भक्त हैं उनका हमें संग मिल रहा है, भगवान कृष्ण स्वयं हरिनाम के रूप में अपने विग्रह के रूप में है, और अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु तन आए हैं, ऐसा नहीं कि वो चले गए, नहीं वो है अदृश्य रूप में, तो ये हमें आस्था रखनी होगी, और अपना जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है वो हमें करना है, भागवत धर्म वर्णाश्रम धर्म, जो जिस स्थान पे, स्थाने सदा श्रुति के धाम, जहां जो स्थान पे है आप भगवान के विषय में सुनो और उस हिसाब से अपना जीवन यापन करो, भगवान की सेवा में। तो अब क्या कह रहे हैं, अभ्यास युग के ना चेतसा ना निगामिना, जब आपको ये प्राप्त हो जाए कि आप अभ्यास कर रहे हैं और आपकी चेतना किसी और जगह नहीं जा रही है, तब क्या होगा, परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन, तो इस तरह से तुम पार्थ क्या करो, चिंतन करो और तुम्हें वह दिव्य पुरुष प्राप्त होगा। और दिव्य पुरुष कौन है, कौन है वो दिव्य पुरुष, हाँ स्वयं कृष्ण साक्षात वही, ऐसा नहीं किसी और के बारे में बोल रहे हैं, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करोगे। मायावादी लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण के प्रति समर्पण मत करो, कृष्ण के अंदर जो अजन्मा है उसको समर्पण करो, रूपा जी बोलते हैं कि ये इनको पता नहीं कि कृष्ण के अंदर और बाहर कोई अंतर नहीं है,
हमारा अंतर है, हम जीव जो है वो अणु है और शरीर उससे भिन्न है, लेकिन भगवान और भगवान का शरीर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि आत्मा और शरीर में अंतर है, वो स्वयं वही है, भगवान कृष्ण है। तो उनके उनको आप प्राप्त कर पाओगे ऐसा बता रहे हैं। तो ये दिव्य पुरुष हाँ श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। और यहाँ पे एक और शब्द बोल रहे हैं वो पार्थ। अचानक पार्थ क्यों बोल रहे हैं आप? पार्थ इसलिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम प्रथा के पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो। तो कुंती जिस तरह मेरी भक्त है, जितनी महान भक्त है, जिस तरह मेरा वो श्रवण कीर्तन करती है, मेरा चिंतन करती है, उसी तरह तुम भी चिंतन करो। तुम्हें बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ये कार्य कर रहे हैं। अनुचिंतन, जैसे वो चिंतन करती है उस तरह से तुम चिंतन करो। अब अर्जुन को यह प्रश्न उठता है कि आप बोल रहे हैं चिंतन करो, स्मरण करो, तो किस प्रकार से करो चिंतन? क्या आंख मूंद करके बस चिंतन करना ऐसे नहीं है, वो किस प्रकार से हमको देखें, स्मरण करें? अब वो चीज बताएंगे भगवान, क्योंकि भगवान को पता है अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। तो भगवान अगला श्लोक ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं श्लोक हमारे पीछे बोली, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कविम पुराणम मनुषाशितारम, बोलिए। पुराणम अनुरणीयाम समरन समनु सरस्मतेभ्यः समुना स्मरेद्य सर्वस्य दातारम अचिंत रूपम, आदित्य आदित्य वर्णम तमसः परस्ता। कविम, वन शुड मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम पर्सन एज द वन हु नोज एवरीथिंग, एज ही हु इज द ओल्डेस्ट, हु इज द कंट्रोलर, हु इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो वह कौन है? वह जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, हाँ, वह जो सबसे पुरातन है, प्राचीनतम है, नियंत्रक है, छोटों से भी छोटे हैं, हाँ, पूरे ब्रह्मांड के सब कुछ के वह पालन करता है, और अचिंत्य है, इस भौतिक जो भी चिंतन है उससे, भौतिक संसार से परे है, अचिंत्य है, और वह हमेशा एक व्यक्ति है, और वह क्या है? सूर्य के समान प्रकाशमान है, जिस तरह सूर्य पूरा प्रकाश फैलाता है पूरे ब्रह्मांड में, जिसके कारण सबको सब देख पाते हैं, वैसे ही भगवान अपने आप को सबको रिवील करते हैं, प्रकाशित करते हैं, और वह दिव्य है, वह इस भौतिक जगत से परे। तो यहाँ सात सात रूपों में, सात चीजों की तरह से भगवान बता रहे हैं कि उनका स्मरण हम कर सकते हैं। हाँ, चैप्टर एट, चैप्टर एट का 9वां श्लोक है, 8.9। तो सबसे पहली चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसमें बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम इज मेंशन्ड इन दिस वर्स। भगवान के विषय में कैसे सोचे हैं यह यहाँ पे बताया जा रहा है। तो विधि बता रहे हैं, यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो? फोरमोस्ट पॉइंट इज दैट ही इज नॉट इन पर्सनल और वर्ल्ड, वन कैनॉट मेडिटेट ऑन समथिंग इन पर्सनल और वर्ल्ड। कि वह निर्विशेष व्यक्ति नहीं है। तो बंद करो अच्छे से, बंद डोर क्लोज है। पूरी दुनिया में अधिकतर लोग जो है भगवान को निर्विशेष रूप में पूजते हैं, तो यहाँ प्रभुपाद जी इसका बोलना पुरुषम है, व्यक्ति है आप, व्यक्ति कृष्ण, व्यक्ति राम, हाँ, व्यक्ति नरसिंह देव, उनके बारे में सोचिए, ना कि कोई ज्योतिर या कुछ अपना मन में जो भाव आ रहा है उस हिसाब से सोचिए। व्यक्तिगत रूप में उनका एक सा ना दिव्य रूप है, वो व्यक्ति है, पर्सन है, हाँ, उनकी भावनाएं हैं, उनका साकार रूप है, उनकी विषय में सोचिए। प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्तिदान ठाकुर के गुणगान में लिखते हैं, एब्सोल्यूट इज सेंशन, दाउ हैज प्रूव्ड इन पर्सनल कैलामिटी, दाउ हैज रिमूव्ड। ये परम सत्य क्या है? सेंशेंट है, वो
संवेदनशील है, उनमें वो जीवंत है, व्यक्ति है, ये आपने सिद्ध करके दिखाया है। और यह जो इम्पर्सनल कलामिटी है पूरे दुनिया में जो फैली हुई है दुर्विशेषवाद, वो एक आपदा है, उससे आपने लोगों को बचाया, इम्पर्सनल कलामिटी दाओइज्म। तो यह उनका मिशन था, इसीलिए जब उन्होंने अपना यह प्रणाम मंत्र दिया तो उसमें भी लिखते हैं, स्वयं प्रभुपाद जी ने दिया, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारण, कि उनका मिशन क्या है, निर्विशेषवाद को खत्म करना, शून्यवाद जो कि मायावाद का ही, मायावाद को और बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट फिलोसफी शून्यवाद। बुद्धिस्ट बोलते हैं सब कुछ शून्य है, मायावादी बोलते सब कुछ है, तो कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बैठे। और पाश्चात्यवाद, पाश्चात्य मतलब ये जो पूरे इंद्र तृप्ति के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, साइंटिफिक वैज्ञानिक लोग मिलके जो जितना भी आविष्कार कर रहे हैं, ठीक है, वह कैसे अपनी इंद्रियों को तृप्त करे उसके लिए, तो उन तीनों के प्रति, इन तीनों को समाप्त करने के लिए प्रभुपाद जी का मिशन है। देखिएगा जब भी मौका मिलता है प्रभुपाद जी इसके ऊपर अवश्य बोलते हैं, जहां पर्सन की बात आएगी छोड़ते नहीं, क्योंकि वह हर व्यक्ति के अंदर घुसा हुआ है मायावाद, कि भगवान को एक व्यक्तिगत रूप में ना देखना। तो यहाँ भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी की भगवान जो है वह इम्पर्सनल या वॉइड नहीं है, वॉइड मतलब शून्य, सब कुछ शून्य है। हाँ बुद्धिस्ट लोग मेडिटेट करने को किस पे क्या मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, हियर द साउंड ऑफ साइलेंस, एक हाथ की जो ताली है उसको सुनने का प्रयास करिए, 8-8 घंटा 9-9 घंटा जा करके वो एक दीवार के सामने बैठे रहते हैं, तो जीवन में लोगों के बहुत खालीपन आ जाता है। जीव जो है वह कुछ उसको चाहिए करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्रिएटिव चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, और नहीं मिलता है तो फिर वापस वो भौतिक जगत में लग जाता है। भागवतम के प्रथम श्लोक के प्रथम प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही बोलते हैं प्रभुपाद जी आखिरी में, कि इन लोगों ने मायावादियों ने क्या किया है, भौतिक जो इंद्र तृप्ति उसको बढ़ावा दे दिया है, क्योंकि परम सत्य जो है वह उनको बोल दिए कि वो व्यक्ति नहीं है, और जीव जो है व्यक्ति है, वो व्यक्तिगत उसको प्रेम चाहिए, तो जब भगवान से नहीं मिलता जो असली स्रोत है जिसके लिए वो बना है, तो वो क्या करेगा, भौतिक चीजों में ढूंढेगा। तो यह सबसे खतरनाक लोग है। मुझे मायावादी और निर्विशेषवादी में क्या फर्क है फिर? हाँ मायावादी निर्विशेषवादी में हल्का फर्क यह है कि मायावादी कहते हैं कि भगवान की, भगवान का जो शरीर है वो माया है, निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी में दो दो हैं भाग हैं। तो पहला शब्द आ रहा है निर्विशेष, ठीक है, निर्विशेष जो विशेष नहीं है, हाँ सब एवरीथिंग इज वन। तो इन लोगों में दो लोग आते हैं, एक होते हैं ब्रह्मवादी, और दूसरे होते हैं मायावादी। इनका कहना है कि सब कुछ एक है, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति स्रोत है, वो भगवान के इस ब्रह्म ज्योति स्वरूप को मानते हैं, ब्रह्मेति परमात्मा की भगवान के शब्द। उदाहरण है चतुष्कुमार, उनको पता था कि विष्णु है, लेकिन वह आसक्त होते हैं ब्रह्म ज्योति से, इसलिए एक बार वो जाते हैं उनके वैकुंठ लोक में जाते हैं, और वहां जब भगवान का दर्शन मिलता है तब वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो भगवान को विष्णु के को वो जानते हैं, लेकिन विष्णु के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, वो आसक्त होते हैं ब्रह्म ज्योति के। मायावादी क्या है, वो बोलते भगवान का आकार ही नहीं, भगवान का जो रूप है वो माया है, वो है ही नहीं, भ्रम है।
ये जो ये अपराधी होते हैं, ये अपराध कर रहे हैं भगवान, जैसे मैं कहूँ ना ये प्रभु जी है, इनका आंख नहीं है, इनका कान नहीं है, ये हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो एक तरह से मैं कह रहा हूं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका अस्तित्व नहीं है। और सीधे सीधे मैं बोल दूं कि ये नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं अलग से बोल रहा हूँ। तो ये लोग क्या है, छुपे हुए एथिस्ट लोग हैं, ये नास्तिक लोग हैं। भगवान को सीधे नहीं बोल रहे कि भगवान मर गए, बोल रहे हैं कि उनकी आंख नहीं है, कान नहीं, इमोशन नहीं, कुछ नहीं, बस ज्योति है, उसमें रहो। तो ऐसे लोग, तो आजकल जो है अधिकतर जो है ये ज्यादा लोग हैं, तो इसलिए निर्विशेषवादी मायावादी दोनों एक समान ही है, ये बहुत कम प्रैक्टिकली अधिकतर लोग यही है, ये बहुत कम बचे, वेरी बहुत रेयर, अधिकतर जो है मायावादी। ठीक है, क्लियर हुआ, मायावादी और निर्विशेषवादी। जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक। तो ये पहला चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अब क्या है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ कृष्णा इज वेरी इजी एंड फैक्चुअली स्टेटेड हियर इन। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड इज पुरुष और पर्सन, वी कैन थिंक ऑफ पर्सन राम एंड पर्सन कृष्ण। तो व्यक्ति के रूप में अगर सोचना है तो बहुत आसान, जैसे हमें अपने माता पिता के बारे में सोचना, तो उनका है आकार है, मान लो अगर पृथ्वी पे नहीं भी, अगर उनके देहांत हो गया तब भी उनका एक रूप था, उनके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। तो वैसे ही भगवान का रूप है, जो विग्रह है वो साक्षात भगवान है, तो उस रूप में चिंतन करना आसान है, उनका नाम है, भगवान और भगवान का नाम अंतर नहीं है। उनके विषय में हम भागवत में पढ़ते हैं, गीता में पढ़ते हैं, अनेक शास्त्र पुराण सब भरे पड़े हैं उनके विषय में बता रहे। तो व्यक्ति कृष्ण, व्यक्ति राम, व्यक्ति विष्णु के बारे में सोचना आसान है, लेकिन जो दिखता नहीं है, इम्पर्सनल है, उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, मन उसके ऊपर लगा नहीं सकते, व्यक्ति के ऊपर लगाने में हालत खराब हो जाती है, तो निर्विशेष के ऊपर कितना मुश्किल होगा। तो ये पहली चीज बता रहे हैं। अब वो किस तरह से देख रहे हैं, पहला बता रहे हैं कवि, उनको क्या बोल रहे हैं, कवि, कवि पुराणम, कवि मतलब सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, भूतकाल में जो हुआ, भविष्य में क्या हुआ, अभी क्या रहा, सब जानते हैं, हर जीवात्मा को जानते हैं, सब कुछ। तो ये बहुत बड़ी चीज है, हमको अपने विषय में अगर पूछा जाए कि आप एक घंटे पहले क्या कर रहे थे एग्जैक्टली, वो नहीं बता पाएंगे, पिछले साल और 10 साल पहले की बात सोचिए, लेकिन भगवान को हम पिछले 100 जन्म पहले क्या थे वो भी बताए। जैसे धृतराष्ट्र के बारे में धृतराष्ट्र बोलता है कि मैंने क्या किया था कि मुझे मेरे 100 बच्चों का मृत्यु देखना पड़ा, तो कृष्ण बोलते हैं कि 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे और तुमने एक चिड़िया के 100 बच्चों को मार दिया, अंडों को मार दिया, तुम्हें मृत्यु देखना। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तो 50 जन्म क्यों लेना पड़ा, 50 जन्म बाद मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है। तो बोले तुम्हें 100 बच्चे हो, 100 बेटे हो, इसके लिए पुण्य चाहिए, तो 50 जन्मों तक वो पुण्य अर्जित कर रहे थे। तो भगवान सब जानते हैं। महाभारत युद्ध में ऐसे ही एक सुता युद्ध नाम का राजा था जो अर्जुन से युद्ध कर रहा था, तो उसने वरुण देव को प्रसन्न किया था, वरुण देव ने उसे ऐसी गदा दी थी कि उससे किसी के ऊपर प्रहार करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी था कि अगर वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रहार करता है जो युद्ध नहीं कर रहा है तो वो गदा वापस आके तुम्हें मार देगी। अब ये बात जो है कृष्ण को पता थी लेकिन अर्जुन को पता नहीं है, अब कृष्ण क्या करें, तो कृष्ण ने उसको ऐसा मोहित किया कि उसने सुता युद्ध ने वो गदा लेकर के कृष्ण के ऊपर प्रहार कर दिया, वो तो युद्ध कर नहीं रहे थे तो गला करके उसको मार देते। तो इस तरह से भगवान क्योंकि सर्वज्ञ, इस तरह उन्होंने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बचाया। ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं भगवान की लीलाएं, तो सर्वज्ञ होने के कारण अपने भक्तों को बचाते हैं। वृंदावन में जब माता यशोदा कृष्ण के साथ एक दिन खेल रही थी तो कृष्ण को वो उछाल रही थी हवा में, तो भगवान उस वक्त उनको पता चला कि मथुरा से तृणावत निकला है,
जो बवंडर आसुर है, तो अगर माता रहेंगी तो माता को भी दिक्कत होगी, तो उसी वक्त इतने भारी हो जाते हैं कि जिस कृष्ण को बहुत आसानी से उठा उछाल रही थी, वो तो ब्रह्मांड जितने भारी हो जाते हैं, उनको उठा करके जमीन पर रखना पड़ता है। पता चला अरे क्या हो गया, इतना कैसे भारी हो गया। ठीक है फिर भी आपने सोचे कि चलो अपने घर का कुछ काम करते हैं, वो चली जाती है, वो चली जाती है तो फिर भगवान हल्के हो जाते हैं और फिर वो आता है कैनावत, उनको उठा के ले जाता है। और भगवान की भी इच्छा थी कि वो थोड़ा देवताओं को अपना दर्शन दें और थोड़ा हाई जंप मार के आए। ओलंपिक में होता है ना लॉन्ग जंप हाई जंप, कुछ नहीं होता, लोग डंडा लेते हैं पोल वर्ड लेके दौड़ते हैं और फिर कूदते हैं, तो ये सब इच्छाएं भगवान से आ रही, भगवान थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो तृणावत उनको उठा के ले जाता है, जब ऊपर थोड़ा हो गया फिर उनको गिराने का प्रयास करता है तो भगवान पकड़ लेते हैं कृष्ण, जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं, वहां से उसको लाके सीधे एक पत्थर पर गिराते हैं, उसका अंत हो जाता है। तो सर्वज्ञ भगवान सब जानते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब पता है। तो इस तरह से व्यक्ति को क्या है, अभ्यास करना चाहिए, जानिए कि वह सर्वज्ञ है। फिर दूसरा है पुराणम, जो प्राचीनतम है, अत्यंत प्राचीन है, उनसे पहले कोई नहीं था, उनके बाद सब कोई आया है, और इस संसार के खत्म होने के बाद भी वह रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो प्राचीनतम है वह, सबके स्रोत, ब्रह्मा शिव जब नहीं थे तब वो, ब्रह्मा शिव सब कुछ उनसे आए, सारे के सारे देवता उनसे आए, सारे महर्षि उनसे आए। अगले अध्याय में, 10वें अध्याय में बताएंगे भगवान की सारे देवता महर्षि मेरे से आए, इसलिए वो मुझको नहीं जान सकते, मैं उनका स्रोत। तो यह लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल था कि सबके स्रोत वो कैसे हो सकते हैं। वो पूछते हैं कि अगर सब कुछ भगवान से आया है तो भगवान कहाँ से आए, तो भगवान का डेफिनेशन ही है क्या है, जन्मादि अस्य यतः, वेदांत सूत्र में बताते हैं और श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में, वह व्यक्ति जिससे सब कुछ का जन्म हुआ है, पालन होता है और मृत्यु होती है, संहार होता है, जन्मादि अस्य डेफिनेशन है। हमारा हमारा जो स्रोत है कौन है, हमारे माता पिता है, उनका स्रोत कौन है, उनके माता पिता। इस तरह पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति आएगा जो सबका स्रोत है, जहां से सब कुछ चालू। एक सामान्य उदाहरण देख सकते हैं आप, कि ट्रेन होती है तो उसमें बहुत सारी बोगियां, S10 को S9 खींच रहा है, S9 को S8 खींच रहा है, लेकिन सबसे आगे क्या है, इंजन, इंजन को कोई नहीं खींच रहा, इंजन स्वचालित है, खुद से चल रहा है। मतलब भगवान को किसी ने बनाया नहीं है, भगवान हमेशा है, स्वयं है, और उनसे फिर बाकी सृष्टि आती है और वापस चली जाती है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए वैज्ञानिक रूप से कि वो प्राचीनतम है, सब व्यक्ति के स्रोत है, पूरे ब्रह्मांड के स्रोत है। फिर अगला शब्द बता रहे हैं अनुशासितारम, कि वो पूरे ब्रह्मांड के अनुशासन करता है, नियंत्रक है, उनके कंट्रोल में सब कोई, कोई ऐसा नहीं है जो कि उनके नियंत्रण में नहीं। ब्रह्मा जी चाहते थे भगवान को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहते थे, ब्रह्म विमोह लीला कर दिया, चारों बुद्धि जो है, चारों सिर जो चकरा गए। इंद्र जो है वो वर्षा करना चाहता था, डुबा देना चाहता था, यहाँ तक कि उसने अपना वज्र निकाला। तो भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं, भगवान चाहते तो वो भी नहीं होने देते बारिश, लेकिन वो चाहते थे एक लीला हो कि गोवर्धन को उठाएं और सारे ब्रजवासी उनका दर्शन करें, क्योंकि तो जब सुबह वो जाते थे तो माता यशोदा को दर्शन नहीं मिलता था, रात को जब माता चला रहते तो गोपों को नहीं मिलता था दर्शन, बाल बालों को नहीं मिलता था। तो एक ऐसा किया कि सबको दर्शन मिल गया, लेकिन वो वज्र निकाल लिया, वज्र का प्रहार करने वाला था, तो भगवान ने क्या किया, उनको फ्रीज कर दिया, इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। हाँ गर्ग संहिता में बताते हैं एक जगह कि भगवान ने उसको दम जड़ कर दिया, तो उसकी इच्छा है इस्तेमाल कर, लेकिन नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि कृष्ण भी उसके नियंत्रक है। शिव जी जो है वो भी आते हैं युद्ध करने के लिए भगवान से, भगवान अपना अस्त्र छोड़ देते हैं, भागते हैं, फिर उनसे वो माफी मांगते हैं तो उनको जगह देते हैं, वो जगन्नाथपुरी के पास भुवनेश्वर में, एक आम्रवन वहां पे महादेव है। तो हर व्यक्ति हर जीव जितना भी बड़ा हो, वो सब के सब भगवान के नियंत्रण में, कोई उनसे परे नहीं, तो सबका अनुशासन करने वाले हैं, सब पर भगवान कृष्ण का नियंत्रण है।
और प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य कि मनुष्यों के सारी मानवता के शिक्षक हैं और पालक हैं, सबको शिक्षा देते हैं, उनके अपने वो आकर के मनुष्य रूपी लीला कर रहे हैं जिससे कि हम सभी प्रेरणा ले सके। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो वह दिखा रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य को जीना चाहिए, आदर्श पुरुष क्या होना चाहिए, आदर्श पति क्या होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसे है, आदर्श स्वामी कैसे है, वो दिखा रहे हैं। तो शिक्षा के उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। गीता में पहले भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, क्योंकि मैं अगर नहीं करूंगा तो बाकी सारे लोग मेरा उदाहरण दे करके वह गलत रास्ते पर जाएंगे। इतना करने के बावजूद लोग गलत रास्ते पर जा रहे, तो अगर मान लिया भगवान न करे तो क्या होगा? भगवान विष्णु गुरु है, फिर भी आके गुरु को स्वीकार कर रहे हैं। और आजकल के लोग हैं कि नहीं, गुरु की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं सेल्फ मेड गुरु हैं। फिर आगे बोल रहे हैं चौथा, अनोर अनियामसम, कि अणु से भी सूक्ष्म है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई बहुत बड़ा नियंत्रक है, ओरिजिनल है, लेकिन सूक्ष्म भी है। सबसे सूक्ष्म चीज क्या है? परमाणु, वो परमाणु के अंतर भी है। ये साइंटिस्ट लोग जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग एलिमेंट्स में पढ़े थे रदरफोर्ड मॉडल, तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत पतली सोने का वो प्लेट लेते हैं, उसके थ्रू एक्सरेज भेजते हैं, तो उनको पता चलता है कुछ रेज जो है वो जाके तुरंत वापस आ जाती है, ठीक है, कुछ जो है एकदम निकल जाती है, और कुछ जो है वो डिग्रेड करती है, ठीक है ना। तो कुछ जो है वो वापस आ रही है, उनका कहना है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं है, नंदनंदन है कृष्ण है वहां, हम उनसे कोई गुजर नहीं पा रहा। तो वो परमाणु के अंदर, अणु के अंदर भी कौन है? भगवान कृष्ण बैठे हुए। और उससे भी सूक्ष्म चीज है, हाँ क्या है? आत्मा। प्रभा जी बता रहे हैं कि आत्मा कितनी बड़ी है, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, भौतिक प्रकृति से भी सूक्ष्म वो है। और उस आत्मा का जो हृदय है उसके अंदर भी कृष्ण है। सिर्फ ये जो शरीर है इसमें जो हृदय है वहां पे ही नहीं भगवान बैठे, आत्मा के अंदर भी, आत्मा का अपना स्वरूप है, भले ही वो नहीं, भले लेकिन उस छोटा हो गया है, फिर भी उस उसका एक हृदय, उस हृदय के अंदर भी भगवान कृष्ण विराजमान है। तो इतने सूक्ष्म है। दूसरी बात, अब कोई बहुत छोटी जगह बैठा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना बैठने में, ट्रेन में जा रहे हैं 50 लोग एक सीट पर बैठ गए, हाँ ऊपर नीचे सब भरा पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम भगवान आ रहे परमाणु में बैठ गए हैं बहुत टेंशन में आराम से है वहां पे, एकदम कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक चीज उनको नहीं मान सकते, पूरा ब्रह्मांड पूरा आध्यात्मिक जगत है वहां पे हमारे हृदय में, अकेले ऐसा नहीं बस परमात्मा खड़े, सब है। यह भगवान की मानता है। तो इस तरह से व्यक्ति को बोलना है कि इस तरह से आप मेरे को, इस प्रकार से मुझे सोचो, इस प्रकार से मेरा स्मरण करो, भले ही वो पूरा ब्रह्मांड जो है उनके शरीर में स्थित है, फिर भी वो हर ब्रह्मांड के हर परमाणु के अंदर भी वो स्थित है। फिर अगला बोल रहे हैं उनको, पांचवा बता रहे हैं, सर्वस्व धातारम, वो सबको धारण करने वाले, सारे ब्रह्मांड, सारा जो लोक है, सारे जो ग्रह हैं, सबको धारण करते हैं, सबके पालन करते हैं, और वह सर्वव्यापी है। एकांशेन स्थितो जगत, 10वें अध्याय बताएंगे भगवान की मेरा एक अंश में पूरा ब्रह्मांड स्थित है। कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से चतुर्व्यूह आते हैं, चतुर्व्यूह से फिर नारायण आते हैं, नारायण से फिर चतुर्व्यूह आते हैं, और वो आखिरी जो संकर्षण उससे महाविष्णु जो कर्णदक्ष विष्णु वो आ रहे हैं, और उनके सारे रोम कूपों से ब्रह्मांड निकल रहा है, और उसमें फिर वो भगवान प्रवेश करते हैं गर्भदक्ष विष्णु के रूप में, सब सृष्टि करते हैं। लेकिन सृष्टि कर जब पढ़ेंगे सृष्टि तीसरे दूसरे तीसरे स्कंद में, सृष्टि हो जाने के बाद भी कुछ होता नहीं, तो गर्भदक्ष विष्णु जो है वह विष्णु रूप के रूप में प्रकाश करते हैं, अपना एक्सपैंड करते हैं और हर कण में प्रवेश करते हैं, तब जाकर के वो सृष्टि चालू होती।
तो इस तरह से वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, तो भगवान का ही रूप है, ब्रह्म ज्योति का, ब्रह्म जो विश्व रूप है, विराट रूप है, वो भगवान का ही रूप है और हर जगह वो है। वही देखते हैं अर्जुन, वो देखते हैं तो एकदम हप्रभ हो जाते हैं कि मैं तो आपको क्या क्या बोला हूँ, यादव बोला हूँ आपके साथ, हाँ खेल को गया हूँ। तो भगवान फिर उस रूप को हटा देते क्योंकि उससे प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता। दो हाथ वाले भगवान है, उनका ड्रेसिंग कर सकते हो, उनको खिला पिला सकते हो, हजार मुख वाले आगे तो उनको क्या खिलाओगे। तो वहां प्रेम जो है शिथिल पड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान वो रूप दिखाते, सौम्य रूपम दर्शन कराते हैं। फिर अगला बोल रहे हैं कि फिर वो उनको देखता है अचिंत्य स्वरूप, कि भगवान का अचिंत्य शक्ति है, सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूप है। अचिंत्य मतलब जो हमारे चिंतन, हमारे भौतिक तर्क वितर्क विचारों से परे है, जिनको हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते। ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि अगर करोड़ों करोड़ों वर्ष तक अगर समाधि भी ले योगी लोग, तब भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, स्मरण नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। तो अचिंत्य, जब तक कि कोई भगवान की भक्ति न करे तब भी वो अपने से नहीं समझता है, भगवान की कृपा से समझता है। ब्रह्मा जी खूब तपस्या करते हैं 1000 साल तक, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके हृदय में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती यत सूर्य, उन्होंने स्वयं वो ज्ञान दिया। जो ये परंपराएं हैं, सारी परंपराएं भगवान स्वयं स्थापित करते हैं, तब जाके हम समझ पा रहे हैं। तो जो अभक्त है वो भगवान को नहीं समझ सकता, अदुर्लभम है। लेकिन वही अदुर्लभ जो है वो बहुत आसानी से सुलभ हो जाते हैं अपने भक्तों में, भक्त्या मम अभिजानाति यावन इच्छास्मि तत्, भक्ति के द्वारा बहुत आसानी से समझ पाते हैं क्योंकि भगवान की हमें कृपा मिलती है। भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान को जानते हैं, ज्ञानिनस्तप्त दर्शिन, वो हमको दर्शन करा सकते हैं। तो हमारी कल्पना से पड़े परे इस भगवान का अचिंत्य रूप है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं के जीवन से दर्शाते हैं, जब वो भक्त नहीं थे, हिमायूं पंडित के रूप में बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स को हरा देते थे, कश्मीरी केशव काश्मीरी आया उसको भी हरा दिए खेल खेल में, लेकिन फिर भी वह एक गुरु का शरण ग्रहण करते हैं, ईश्वर गुरु के प्रति समर्पण करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने आचरण से दिखाते, तब वो भगवान को समझ पाते, तब भगवान को उनको साक्षात्कार प्राप्त होता है। भक्त रूप भक्ता बता रहे हैं, उनका रूप में आ रहे हैं, तो अपने जीवन से सिखा रहे हैं भाई कैसे भक्ति करो। गीता तो पढ़ा दिए 5000 साल पहले, कोई समझा ही नहीं। लोग उसमें और अपना तर्क वितर्क दे करके मायावादी लोग बर्बाद कर रहे, स्वयं आकर के गीता को पालन करके दिखा रहे कि भक्ति करो, भगवान की सेवा करने का प्रयास करो। सुनो अब आखिरी बता रहे हैं आदित्य वर्ण तमसा परस्ता, भगवान को कैसे देख विचार करो, वो सूर्य के समान है, जैसे सूर्य उगता है तो मैं तब चीजें दिखाई देने लगती है, आजकल ट्यूबलाइट वगैरह सब अलग बात है, लेकिन पहले जो है वो नहीं था, ट्यूबलाइट भी जो है सूर्य का ही रोशनी एक तरह से उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूर्य जैसे सब कुछ प्रकाशित करते हैं, वैसे भगवान स्वयं को और सारे लोगों को प्रकाशित करते हैं, फिर भी वह तमसा परस्ता इस अंधकारमय जगत से, इस माया द्वारा टच नहीं है, इससे वो परे हैं, यहाँ से बहुत दूर अपने धाम गोलोक धाम वृंदावन धाम वैकुंठ धाम में रहते हैं, जहाँ की सूर्य चंद्र वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, वह भगवान के द्वारा प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है वह ऐसा दिव्य धाम। तो उस ऐसे दिव्य व्यक्ति को आप क्या करो, स्मरण करो, उनका उनके प्रणाम को प्राप्त करने का प्रयास करो, अभ्यास करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो जो भी ऐसे स्मरण करता है अब उसको क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये अब अगले श्लोक में बता रहे हैं। अब 10 से जो 13 है ये एक तरह से योग मिश्र भक्ति कहा गया है ना? नौवे में चीजें हमारे आचार्य बता रहे हैं कि तृतीय उपनिषद से कि अंत प्रविष्ट षष्ठ ज्ञानम, वह हर जगह प्रविष्ट किए हैं और वो सारे जनाना सारे मनुष्यों को शिक्षक हैं,
तैतरीय अरण्य उपनिषद से। अब दसवें में आते हैं, दसवें श्लोक। दसवें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मैंने पीछे बोले प्रयाण काले मनसा चलेना, प्रयाण काले मनसा चलेना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, ब्रुवो ब्रुवो मध्ये प्राणमावेश संख्या, सताम परमं पुरुषम उपैति दिव्यम, परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो पिछले में बता रहे हैं कि कवि पुराणम जो ऐसे अनुसमरित दिया, तो एक तरह से पिछले श्लोक में भगवान ने अपना वाक्य पूरा नहीं दिया कि वह जो इस तरह से स्मरण करता है तो क्या होता है, अगर वह इस तरह से मृत्यु के समय टाइम ऑफ डेथ फिक्सेस हिज लाइफ एयर बिटवीन द आईब्रोज, और इस तरह से अपने ब्रोहों यहाँ पे मध्य में अपने ब्रोहों के मध्य में अपने चेतना को लाता है और अनडेविएटिंग माइंड एंगेजेस हिमसेल्फ रिमेम्बरिंग द सुप्रीम लॉर्ड इन फुल डिवोशन, भक्ति आ देखिए भक्ति आ गया, भक्ति युक्त होना चाहिए, तब वो क्या करेगा, he will certainly attain to supreme personality devotion, वो फिर से पुरुषम दिव्यम उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करेगा। तो यह इस तरह से स्मरण करने का आखिरी में यह परिणाम मिलता है। अब यहाँ पे योगियों के बारे में बात हो रही है, कैसे वह अपने प्राण को ले आते हैं, लेकिन इससे पहले प्रयाण काल, प्रयाण काल का हमें समझना है। प्रयाण काल के वक्त जो है जीवात्मा यह शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, जीवात्मा का अंत नहीं होता है, यहां से दिख रहा है कि वो जा रहा है, कहीं जा रहा है, कौन जा रहा है, आत्मा जा रही है, शरीर नहीं जा रहा है, शरीर का अंत होने वाला है। तो यह मनुष्यों के लिए बनाया गया, मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन के अंत में कहां जाना चाहता है, पशु पक्षी नहीं समझ सकते, इसके चिंतन नहीं कर सकते, हमको बुद्धि दी गई, तो प्रयाण काल के वक्त हमें यह सोचना है अब हम कहां जाना चाहते हैं, उसके लिए पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। गीता में इधर पिछले ही कुछ श्लोक में छठे में श्लोक में बताते हैं ना कि यमयम वापी स्मरण भाव, जो भी भाव में आप स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ते हो वही शरीर तुम्हें प्राप्त होगा, कुछ अलग नहीं हो जाएगा, कुछ चमत्कार नहीं होने वाला। आखिरी समय में क्या स्मरण करोगे, तो पूरे जीवन भर किया है। एक व्यक्ति था, वो उसका देह शरीर छोड़ने वाला था, तो लोग देखने गए, तो गए तो बिस्तर में पड़े पड़े वो हाथ फेंक रहा था, ऐसे बार बार हाथ फेंक रहा था। तो व्यक्ति ने पूछा उसके घर वालों से, क्या हो गया, ऐसे क्यों हाथ फेंक रहे, बोले कुछ नहीं, दर्जी थे, जीवन भर कपड़ा नहाते हैं जो अभ्यास किए हैं वही हो रहा है, वो बार बार हाथ फेंक रहे हैं इसलिए नापे जा रहे हैं। तो जो भी हम करेंगे, हम जिस भी चीज के ऊपर फोकस करेंगे, बार बार करेंगे, वही चीज हमें आखिरी में हमें स्मरण होगी। ऐसे ही एक रिटायर्ड कहीं तो आर्मी ऑफिसर था वेस्ट में, वो लेके जा रहा था शीशे का ग्लास वगैरह, अचानक किसी ने बोला सावधान, तुरंत वो फेंक करके खड़ा हो गया, क्योंकि जितना प्रैक्टिस किया उसने बार बार सुबह उठ करके ना कह रहे हैं 12 साल 13 साल से 40-50 साल तक जब तक उसने काम किया है तो आदत हो गया, कहीं भी सुना तुरंत सावधान हो जाना, अब उसको ये नहीं पता कि उसका किस्से का जो सब टूट फूट गया। तो हम अब रोक नहीं पाएंगे, हाँ हमारा मन जो है वो उसी दिशा में जाएगा जिसके लिए हमने प्रयास किया है। तो यह हमें सोचना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से पहले से ही हमें ऐसा अभ्यास करना होगा। जीवन कैसा है, एक भक्त बता रहे थे कि ट्रेन की तरह है, ट्रेन का आप सफर कर रहे हैं, तो एक जगह हम चढ़ते हैं दूसरी जगह में उतरना है,
तो भले ही हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ना, बेचने वाले उनसे ले रहे हैं, अगल बगल के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है कि हमें उतरना है। ठीक है, अपने स्टेशन पर नहीं उतरे तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक दिन उतरना है, वो प्रिपरेशन हमें पहले से करना है, प्रैक्टिस पहले से करना है। अभी हमारे पास समय है, अभी हम कर सकते हैं, और जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि तो करोड़ों जन्मों का जो संस्कार है हमारे मन के ऊपर है, और अलग अलग समय में वो ऊपर आता रहता है। मृत्यु के वक्त तो इतना कष्ट होगा कि व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो हमें भगवान और भगवान के भक्तों का कृपा चाहिए, तो वो अभी अभ्यास करना होगा। तो जब इस तरह से अभ्यास करेंगे तब क्या होगा, अंतकाल में स्मरण कर सकते हैं। यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं, ये योगियों के लिए बेसिकली बता रहे हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं, वह अपने प्राण को चक्रों से उठाते हैं, ये कुंडलिनी योग कहलाते हैं। तो इसमें सबसे जो हमारा मल द्वार है वहां पे आता है मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र है, ठीक सबसे नीचे होता है ये। तो यहाँ से प्राण, यहाँ से वो मूलाधार को बंद करके प्राण को उठाना चालू करते हैं। मूलाधार चक्र से फिर वो जाता है, अगला है स्वाधिष्ठान चक्र। एक्चुअली नीचे से ऊपर आ रहा है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे आचार्य इसके बारे में बताते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ पे तक ले जाते हैं, अपने प्राणायाम के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा, जम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा धीमे धीमे उठाते हैं। इसके बाद अगला चक्र जो है वह है मणिपूरक चक्र। तो मणिपूरक चक्र में तक ले जाता है। इसके बाद जो है आता है अगला चक्र है अनाहत चक्र। तो मैं यहां पे लिखता हूं, अनाहत चक्र। मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, फिर अनाहत चक्र, आखिरी में विशुद्ध, उसके बाद विशुद्ध शुद्ध चक्र, और इसके बाद विशुद्धि या विशुद्ध चक्र। शुद्ध चक्र और फिर आज्ञा चक्र इसके बाद आता है। आज्ञा चक्र ये यहाँ पे है, ये भ्रमों के मध्य है। यहाँ पर ये आज्ञा चक्र जो है यहाँ पे आता है, यहाँ पे वो फोकस कर रहा है, यहाँ तक वो अपने योग अभ्यास के द्वारा योग बलेन, जो योग का प्रैक्टिस करेगा वो यहाँ पहुंच जाता है। या ये योग करिए या भक्ति योग करिए, किसी न किसी योग के द्वारा प्रभु जी बोल रहे हैं आपको प्राणों को ऊपर लेके आना है, भगवान के ऊपर फोकस करने है। तो शुद्ध भक्त के लिए बोलते हैं, जो भक्ति योग कर रहे हैं उनके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्योर डिवोटी डज नॉट प्रैक्टिस सच योगा बट इज ऑलवेज एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावनामृत में हमेशा वो एंगेज है, तो मृत्यु के समय बहुत आसानी से वो भगवान का स्मरण करके जा सकते हैं। तो यह जो डिटेल प्रोसेस है इसको फॉलो करने में आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान यह बता रहे हैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो योगी क्या करता है, वह जब यहाँ पे ले आता है तो अपने प्राण को फिजिकली वो रोक रहा है। हमारे शरीर में 9 द्वार है, नीचे का मल द्वार, मूत्र द्वार है,
और ऊपर सात द्वार हैं, दो नाक हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं और मुंह है। तो सामान्य व्यक्ति जो है उसको प्रयाण काल के समय वो चूज नहीं कर पाता, वो जो कर्म किया उस हिसाब से उसका ना उसको जाना पड़ता है। तो जो पापी लोग हैं वह नीचे के दो द्वार से निकलते हैं और नरक में जाते हैं और बहुत पिटाई करते हुए लेके जाते हैं यमदूत उनको, ठीक है, नरक चले जाते हैं। जो पुण्य आत्मा है वो ऊपर से जाते हैं और उनको एक अच्छा शरीर मिलता है, स्वर्ग में जाते हैं। भक्त लोग जो है वो भगवान के धाम जाते हैं, उनको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। अब योगी के ऊपर है कि वो इन बाकी चीजों को भी ऊपर के जो है उनको ब्लॉक करके और फिर यहाँ से निकलने का प्रयास करता है, तब वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। तो वही चीज यहाँ प्रभा कृपा जी बता रहे हैं, ऑन द पर्टिकुलर यूज ऑफ वर्ड योग बलेन इज सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स, विदाउट प्रैक्टिस ऑफ योगा, वेदर शक चक्र योगा और भक्ति योगा, वन कैनॉट कम टू दिस ट्रांजेंडेंटल स्टेट ऑफ बीइंग एट द टाइम ऑफ डेथ। अचानक जो है हम इस स्तर पे नहीं आ सकते, हमें प्रैक्टिस करना होगा, या तो भक्ति योग करिए नहीं कर पा रहे तो दूसरा चीज है आप ये कुंडलिनी योग कर सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करिए, वरना क्या होगा जो हमारे कर्म उस हिसाब से हमें वो गति मिलेगी, उसको हम हमारे पास फिर चॉइस नहीं रहेगा। तो इस तरह से बोल रहे हैं, वन एट द टाइम ऑफ डेथ फिक्सेस हिज लाइफ हियर बिटवीन माय ब्रूस बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योगा विद एन अनडेविएटिंग माइंड। देखिए मन का यहाँ मनसा अचलेन, मन जो है मनसा चलेन है, उस मन है अचल मन है वो, अब यहाँ वहां नहीं जा रहा है। तो यह स्तर हमको पहले प्राप्त करना होगा, मृत्यु के वक्त हम नहीं कर पाएंगे। जब वैसा आता है समय तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, इसलिए पहले से ही हमें प्रैक्टिस करने के लिए कृपा जी बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं। एक समय हो गया तो हम ये समाप्त करेंगे। हमने देखा कैसे अर्जुन पूछते हैं कि मैं युद्ध करते वक्त भी कैसे आपको स्मरण कर पाऊंगा, संभव है क्या? तो हमने कहा संभव है, कैसे? अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग युक्ति है। तो फिर सोचते हैं कि फिर ये किस प्रकार से मैं आपको स्मरण करूं, संभव है तो किस तरह करूं? तो बताते कभी पुराण अनुसार सीताराम से सात चीजें बताते हैं जिस तरह से उनका व्यक्ति ध्यान कर सकता है, स्मरण कर सकता है। अब स्मरण कैसे करता है तो उसको क्या मिलेगा? उसको भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ बता रहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी ये कितने से कितने में बता रहे वो श्लोक नंबर? आज हमने 8.8 नहीं, नहीं, ये 8.8. जो आपने बोला ना कैसे स्मरण किया जाए वो कितने से कितने नंबर तक है? वो था ना आठवां श्लोक था, नौवां श्लोक था, नौवां श्लोक में था सिर्फ ना, नाइन्थ में क्या कि वो सिर्फ नाइन्थ में हमने पूरा अभी तक नहीं कर दिया ना, काफी पुराना अनुशासन से पारम सात चीजें बताई ना हमने। हाँ। फिर अनुशासितारम तीसरा था, फिर अनोरणियम सबसे छोटा, ये सब मैं चर्चा किया, ये सब नौवीं श्लोक में था। मैं पूछने का मतलब ये कि जो आप बोल रहे हैं ना जैसे वो श्लोक में बोला था कि भाई समय कैसे आपका युद्ध से स्मरण जो बोल रहा है ना श्लोक में कि युद्ध करते करते हुए मैं कैसे, तो उसके बाद जो भगवान बता रहे तो वो कितने श्लोक किस नंबर से किस नंबर के श्लोक तक बता रहे ऐसा मैं पूछ रही हूँ कि स्मरण उनका कैसा किया जाए? हाँ तो ये नौवे में बता रहे हैं, नौवे में बता रहे हैं किस प्रकार स्मरण किया जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, बताया कि अभ्यास करो। अब अभ्यास क्या है वो अभ्यास नौवे में बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, वो विधि जो है नौवे में पूरा बताया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा बोलिए।
हरे कृष्ण। प्रभु जी तो आर्म्स के बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? आपका आवाज कट जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, आर्म्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना प्रभु जी, आर्म्स के बारे में जो आप कहते हैं कि एक आर्म्स के बराबर सारा ब्रह्मांड भगवान का है, आर्म्स में हम उसमें क्या समझें? एक अंश तो जगत भगवान का एक अंश, मतलब भगवान तो संपूर्ण है, उनका एक जो एक्सपेंशन है महाविष्णु के रूप में, वो पूरा भौतिक जगत को धारण किए हुए हैं। ठीक प्रभु, ठीक ठीक अरे ब्रह्मांड जो है उनसे ही आ रहे हैं ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी जी। तो भगवान के एक अंश है, अंश के अंश के अंश अंश है, बहुत छोटा उनका अंश है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के अंश है इसलिए पूर्ण है अपने में। ओम पूर्णमिदं पूर्णान पुदम विच्छते, उनमें संपूर्ण शक्तियां भगवान, लेकिन वो भगवान के एक अंश है और वो पूरा भौतिक ब्रह्मांड चला रहे हैं, करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनको देख रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आवाज आ रहा है? हाँ हरे कृष्णा, हाँ आ रहा है, अब आ रहे, बोलिए। हाँ, जो आपने अभी जो षट चक्र का मतलब बारे में बताया ना अभी, तो इसमें मतलब कि सहस्रार भी आता है क्या? मतलब कि सहस्रार का किस चक्र में आता है? आखिरी जो है वो अगले अगले श्लोक में बताएंगे, सहस्रार लास्ट वाला है, अभी तो हम बहुत तक पहुंचे ना, अब यहाँ से निकलेगा वो लास्ट वाला पार्ट है, आखिरी चक्र वो है। ओके, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी चक्र का नेम और एक बार बता देंगे। चक्रों का नाम जी क्या लिखा हुआ है? मूलाधार, मूलाधार, फिर स्वधुस्थान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, फिर शुद्ध और आज्ञा चक्र, और इसके ऊपर सहस्र चक्र है, वो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। टोटल मतलब कि आठ है ना इसमें चक्र जो है? सात सात चक्र आ रहे हैं यहाँ पे, सात है। ठीक है, और कुछ प्रश्न में समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।